नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो को हमारे आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो अपने घर के बगल में हमने थोड़ा सा बैगन लगाया हुआ है, यहाँ से हम लेते हैं बैगन। तो इधर आप देख सकते हैं कि जो बैगन हमने लगाया हुआ था तो काफ़ी बैगन इसमें फरे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं, और देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और कल इसमें हमने सिंचाई किया था। तो ये है बैगन का फूल, बगल बगल बैगनी कलर का फूल है, बीच में थोड़ा येलो है। तो इसका फूल भी बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। और बगल में आप सब देख सकते हैं कि बैगन जो है छोटा सा फरा हुआ है, अब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसे तैयार होने में कम से कम एक हफ्ते समय लग जाएंगे। पौधे से हम तोड़ लेते हैं बैगन को। तो बैगन को हम एक भगोने में रखते जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हम दूसरे बैगन को तोड़ेंगे। तो ये भी काफ़ी छोटा है तो इसे हम नहीं तोड़ेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मार्केट गई थी तो यहाँ से हम दो मिर्ची का पौधे लाए हूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है बैगनी बैगनी जो है मिर्चा फरा हुआ है, एक बिल्कुल गोलाकार में फरा हुआ है। बगल में एक मिर्चा का पौधा हम और लगाए हुए हैं, आप सबको भी दिखाते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि ये भी बैगनी बैगनी मिर्चा कितने अच्छे से फरा हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। काफ़ी अच्छा मिर्चा फरा हुआ है बैगनी बैगनी। कुछ बैगन का पौधा हमने यहाँ भी लगाया था, तो आप सब देख सकते हैं कि ये गोला वाला जो है बैगन है, ये कलौजी वाला बैगन है। तो इसकी जो है कलौजी बनाकर लोग खाते हैं, तो कलौजी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमें लंबा वाला बैगन नहीं तोड़ना है, बिल्कुल पौधे से। तो इस पौधे से भी हम बैगन को तोड़ कर रख लेते हैं। तो बैगन को हम तोड़ लेते हैं। तो जितना हमें बैगन की आवश्यकता थी उतना हमने ले लिया है, चल रहे हैं छत पर जहाँ पर हम बनाएंगे रेसिपी। तो इधर हम पहुंच गए अपने चूल्हे के पास। तो सबसे पहले हम सारी सब्जियों को साफ पानी से धो लेते हैं। तो सारी सब्जियों को हमने साफ पानी से धो लिया है, और बचे हुए पानी को हम पौधे में डाल देंगे। आइए दोस्तों हम आप सभी को बता दें आज हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं बैगन की मसालेदार टेस्टी सब्जी, जो कि खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी होती है। तो बैगन की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने एक किलो बैगन लिया हुआ है, बैगन मीडियम साइज का है। और यहाँ पर हमने गर्म मसाला लिया हुआ है, मिर्चा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है, धनिया पाउडर है, काश्मीरी लाल मिर्च है, और यहाँ पे हमने हींग लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने 20 पीस काजू लिया हुआ है, और तड़का लगाने के लिए दो तेज पत्ता है, जावित्री है, दालचीनी है और काली मिर्च है। और यहाँ पे हमने दो बड़े साइज का प्याज लिया हुआ है और तीन पकड़ टमाटर है। और यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, और दो हरा मिर्चा है, अदरक है, लहसुन की कुछ कलियाँ हैं। तो चलिए सबसे पहले बैगन को हम काट लेते हैं। सबसे पहले बैगन को हम चार भागों में काट लेंगे। तो आधे पे हमने चीरा लगा दिया है, अब इस तरह से हम बीचों बीच फिर दोबारा चीरा लगाएंगे। तो इसी तरह हमें सारा बैगन काटकर एक भगोने में रख लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा बैगन काटेंगे। तो इसे भी बिल्कुल आधे पर से काट के, और दूसरी बार फिर हम बीच से चीरा लगा देंगे। तो दोनों बैगन में हमने चीरा लगा लिया है, और बिल्कुल इसी तरह हमें चीरा लगाना है। और बैगन को हमें चेक भी कर लेना है, तो इसमें कीड़े तो नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेश बैगन है। जिसमें कीड़ा हुआ उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो इसी तरह हम सारा बैगन काट कर रख लेते हैं भगोने में। बड़े वाले बैगन को हमें छह भागों में काटना है, और कीड़े को बराबर चेक करते रहना है कि अंदर कीड़ा तो नहीं है। तो आप सब देख सकते हैं कि बिल्कुल कीड़ा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश बैगन है। तो टमाटर लहसुन मिर्चा का हम पेस्ट बनाएंगे। तो टमाटर के आगे का हिस्सा हम काट देंगे, और यहाँ पर हमने मिक्सी जार लिया हुआ है पेस्ट बनाने के लिए। तो टमाटर को हमने काट लिया है, लहसुन अदरक मिर्चा को हम काट कर इसका भी पेस्ट बना लेंगे। कटे हुए टमाटर लहसुन मिर्चा अदरक और काजू का हम पेस्ट बना लेंगे।
टमाटर, लहसुन, मिर्चा, अदरक और काजू का पेस्ट बना लिया है। और प्याज को भी हमने बारीक काट लिया हुआ है। आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है। कढ़ाई को हम रखेंगे चूल्हे पर। अब कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल और तेल को हम गरम कर लेंगे। तेल को हमने गरम कर लिया है। अब गरम तेल में हम बैंगन को डालकर फ्राई कर लेंगे। तो सारे बैंगन को हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो बैंगन को हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। तो आप सब देख सकते हैं बिल्कुल ताज़ा बैंगन है, तो बहुत ही अच्छे से हो रहा है, कलर चेंज हो गया है। तो सारे बैंगन को हम पलट देंगे। तो बैंगन को हम पलट पलट कर चारों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों बैंगन मसाला सब्जी आप सब जब बनाएं तो बैंगन जो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का बैंगन होना चाहिए, तब फ्राई करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। तो बैंगन को हमने घुमा घुमा कर चारों तरफ अच्छे से फ्राई कर लिया है। बैंगन को हम निकाल कर एक बर्तन में रख लेते हैं। सारे बैंगन को तेल से हमने बाहर निकाल दिया है। बैंगन की मसालेदार सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो तेजपत्ता से हमने लगा दिया है तड़का। उसके साथ हम डाल देंगे जावित्री, दालचीनी और काली मिर्च। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। साबुत मसालों को हमने अच्छे से चटका लिया है। अब हम बारीक जो प्याज काटे हुए थे उसे लगाते हैं तड़का। तो प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक, लहसुन, मिर्चा का पेस्ट जो हमने पिसा हुआ था। तो इसे भी अच्छे से हम मसालों में मिलाकर पका लेते हैं। अदरक और लहसुन को हमने बहुत ही अच्छे से पका लिया है। तो अब हम डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को अच्छे से हम मिला देते हैं। अब टमाटर के पेस्ट को बहुत अच्छे से पकाएंगे। तो टमाटर को हमने बहुत ही अच्छे से पका लिया है। टमाटर के ऊपर तेल आना शुरू हो गया है। तो टमाटर हमारा पूरी तरह से पक गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। तो एक छोटे चम्मच से हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और एक छोटे चम्मच से धनिया पाउडर, और एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच मिर्चा पाउडर। तो इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिला देते हैं। इसने बहुत ही अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं काजू का पेस्ट। और काजू का पेस्ट दोस्तों हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बैंगन का जो हम ग्रेवी बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगे। तो इसलिए हम काजू का पेस्ट डाल रहे हैं। आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो काजू के पेस्ट को हमने डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मसालों में मिला देते हैं। तो आप सब देख सकते हैं काजू का पेस्ट हमने मिला दिया है और ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है हमारे मसाले से। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो ग्रेवी को हमें थोड़ा गाढ़ी बनानी है तो थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे। मसाले को मिलाते रहेंगे। तो पानी को हमने डाल दिया है ग्रेवी में। पानी हमने डाल दिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो हम स्वाद के अनुसार इसमें हम डालेंगे नमक और उसी के साथ हम डाल देंगे हींग। और हींग हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बैंगन जो है थोड़ा बादी होता है, तो इसमें हम हींग डाल देंगे तो पेट में दर्द बिल्कुल नहीं होगा। तो पेट के फायदे के लिए इसमें हम डाल देते हैं हींग। और हींग और नमक को अच्छे से हम ग्रेवी में मिला देते हैं। आँच को तेज करके ग्रेवी को अच्छे से हम पका लेते हैं। आप सब देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से पक रही है। अब इसी में हम डाल देते हैं बैंगन जो हमने फ्राई किया था। तो बैंगन को हम ग्रेवी में डाल देते हैं। तो बैंगन को हम ग्रेवी में डालकर बहुत ही अच्छे से पकाएंगे ताकि बैंगन के अंदर ग्रेवी जो है अंदर चली जाए और खाने में हमारा बैंगन की सब्जी अच्छी लगे। तो आप सब देख सकते हैं कि जो बैंगन हमने फारा हुआ था तो इसके अंदर काफ़ी ग्रेवी जा रही है। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी बनकर तैयार होगी बैंगन की।
बैंगन को हम पलट पलट कर ग्रेवी में अच्छे से पका लेंगे ताकि बैंगन के अंदर ग्रेवी अच्छे से घुस जाए और हमारा बैंगन की मसालेदार सब्जी खाने में टेस्टी लगे दोस्तों। तो धीमी आंच में बैंगन को हमने 10 मिनट अच्छे से पकाया हुआ है और बैंगन हमारा पूरी तरह से हो गया है। आप सब देख सकते हैं कि बैंगन की सब्जी से हमारे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो बहुत काफ़ी टेस्टी सब्जी हमारा बैंगन का बना हुआ है दोस्तों। कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं। कढ़ाई को हमने नीचे उतार लिया है। तो बैंगन की मसालेदार सब्जी को हम सर्व करने के लिए कटोरे में निकाल देते हैं। तो दोस्तों आज मैं जिस तरीके से मसालेदार बैंगन की सब्जी बनाना बता रही हूँ तो आप लोग अपने घर पे इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये खाएं दोस्तों बहुत ही टेस्टी होता है। आप खा सकते हैं, घर आए मेहमान को भी खिला सकते हैं। आप इसे चावल के साथ, पराठे के साथ और खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है। रोटी के भी साथ खा सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी हमारा बैंगन का बना हुआ है। बैंगन की मसालेदार सब्जी हमारा बनकर तैयार है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।